दोस्तों, हमारे इंडिया का ब्रांड है महिंद्रा और टाटा, और महिंद्रा और टाटा दोनों ही इंडियन आर्मी को सर्व करते हैं। टाटा की स्ट्रोम इंडियन आर्मी में सर्व करती है और महिंद्रा की स्कॉर्पियो भी अब इंडियन आर्मी के अंदर अपनी सर्विस देने वाली है। जी हाँ, महिंद्रा ने स्कॉर्पियो को डिज़ाइन किया है अकॉर्डिंग टू इंडियन आर्मी, और इसके 1470 यूनिट्स प्रीवियस जनरेशन स्कॉर्पियो के 4-व्हील ड्राइव के साथ में इंडियन आर्मी को ये देने वाली है, और जल्दी ही आपको इंडियन आर्मी के फ्लीट में भी स्कॉर्पियो नज़र आएगी दौड़ती हुई। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, क्या कुछ फीचर्स हमको इस स्कॉर्पियो के अंदर देखने को मिलेंगे। जो महिंद्रा की स्कॉर्पियो है जो इंडियन आर्मी को सर्व होने वाली है, अपनी इंडियन आर्मी में ये सर्विस देगी, उसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या कुछ फीचर्स हमको इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, माय नेम इज अमन एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल भोपाल यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर महिंद्रा स्कॉर्पियो जल्दी ही इंडियन आर्मी फ्लीट में आने वाली है। इसके 1470 यूनिट्स की डिमांड करी थी इंडियन आर्मी ने महिंद्रा से, और महिंद्रा ने इसको फुलफिल कर दिया है। 1470 यूनिट्स इसके मैन्युफैक्चर हो चुके हैं प्रीवियस जनरेशन स्कॉर्पियो के। अभी जो स्कॉर्पियो क्लासिक है ये अभी की जनरेशन है, बट प्रीवियस जनरेशन की जो स्कॉर्पियो थी उसमें कुछ ऑल्टरेशन करके और उसमें 4-व्हील ड्राइव सिस्टम इस गाड़ी के अंदर देकर कंपनी इंडियन आर्मी को ये गाड़ी देने वाली है। इस गाड़ी के अंदर आपको ओल्ड लोगो मिलेगा, जो महिंद्रा का पुराना लोगो था वही देखने को मिलेगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये पुरानी वाली प्रीवियस जनरेशन स्कॉर्पियो है। इसके साथ में जो ग्रिल डिज़ाइन है वो भी आपको प्रीवियस जनरेशन स्कॉर्पियो से ही मिलती जुलती फील होगी। हेडलैम्प्स आपको प्रोजेक्टर बेस्ड मिलेंगे, नीचे कंपनी फॉग लैम्प्स यहाँ पर दे रही है, ब्लैक बम्पर है, ब्लैक क्लाइडिंग आपको मिलेगी इसमें, और साथ में जो एलॉय डिज़ाइन है वो भी प्रीवियस जनरेशन स्कॉर्पियो वाली है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि प्रीवियस जनरेशन स्कॉर्पियो को ही यहाँ पर इंडियन फ्लीट में जोड़ा जाएगा। इसी के साथ में यहाँ पर आपको जो गाड़ी का बैक प्रोफाइल है वो सिमिलर ही मिलेगा जैसा आपको स्कॉर्पियो में मिलता है। अभी जो स्कॉर्पियो आ रही है उसमें भी सेम एजिटीज ही आता है, बस जो डी पिलर है उसको थोड़ा सा डी पिलर में लाइट दे दिए, बट इसमें आपको नॉर्मल ब्लैक कलर में ही पैनल देखने को मिलेगा। तो दैट्स द चेंज फ्रॉम द बैक साइड। और इसके अलावा जो इंडियन फ्लीट्स में गाड़ियाँ चलती हैं, जैसे आपने जिप्सी में देखा होगा, स्ट्रोम में देखा होगा कि एक्स्ट्रा लाइटिंग्स वगैरह लगी होती हैं, तो वो लाइटिंग्स वगैरह दी हुई हैं। जो गाड़ी का कलर है वो आर्मी कलर है, जैसे आर्मी की जितनी भी गाड़ी है व्हीकल्स दिखते हैं आर्मी कलर में, वैसा ही आर्मी कलर टेक्सचर यहाँ पर यूज़ किया है महिंद्रा स्कॉर्पियो के अंदर। एंड बहुत से लोगों के ये सवाल होंगे कि हम इसको नॉर्मल अपने लिए परचेस कर सकते हैं, क्या शोरूम्स वगैरह पे ये अवेलेबल होगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये इंडियन आर्मी के फ्लीट में जुड़ने वाली गाड़ियाँ हैं, तो ये आपको ऐसे शोरूम से नहीं मिलेगी। ये सिर्फ इंडियन आर्मी को ही दी जाएगी। जो इसके 1470 यूनिट्स हैं जस्ट वही मैन्युफैक्चर करे हैं, 1471 यूनिट्स भी कंपनी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती है, जस्ट 1470 यूनिट्स ही मैन्युफैक्चर करेगी। इसके अलावा इसके इंजन की बात करें तो इसमें 2.2 लीटर का इंजन मिलेगा, डीजल इंजन रहेगा जो कि 6 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आएगा, और ये 140 हॉर्स पावर का पावर जनरेट करके देगा महिंद्रा स्कॉर्पियो को। इसके अलावा अगर हम बात करें गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर से सिमिलर पूरा जो टेक्सचर है वो यहाँ पर देखने को मिलने वाला है इंटीरियर डैशबोर्ड में। साथ में आपको एंड्रॉयड सिस्टम मिलेगा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पर देखने को मिलेगा, और स्टीयरिंग व्हील की डिज़ाइन भी एज सिमिलर रहेगी। इंडियन आर्मी के अंदर बहुत से गैजेट्स होते हैं, जैसे कि वायरलेस कंट्रोलर हो गया, वॉकी टॉकी रखने का स्पेस हो गया है, फर्स्ट एड किट हो गई है, नॉर्मल जो टूल्स होते हैं उनको रखने के लिए एक पूरा केस होता है, तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो भी स्कॉर्पियो के अंदर जो पूरी प्लेसमेंट है वो कंपनी करके देगी। इसमें बहुत सारे ऑल्टरेशन होते हैं, तो इंटीरियर से हम इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देंगे क्योंकि ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एंड ये वीडियोज़ बाहर के भी पब्लिक्स देखती हैं, तो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम आप सभी के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे, बट जितनी इन्फॉर्मेशन है हमने आपको दे दी है। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें टेक्निकल भोपाल ऑफिशियल, और हम आपसे मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।